going, oh, sorry. हाँ जी देखो मैडम, एक्सरसाइज 10.2 चल रही है हम लोगों की। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, वेयर पी इज 1, 2, 3 एंड क्यू इज 4, 5, 6। ये पी के दिन है और ये हमें क्यू के दिन है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। आइए देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या सॉल्यूशन होगा। पी क्यू वेक्टर निकालना है सबसे पहले आपको। पी क्यू वेक्टर कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले जब आपको कोऑर्डिनेट के दिन होते हैं तो सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पी क्यू वेक्टर को फाइंड करना पड़ेगा। पी क्यू वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले लेट करोगे ओ बी द ऑरिजिन, ओ बी द ऑरिजिन, हमने कहीं पर एक ऑरिजिन लेट कर लिया, ठीक है। ये सपोज करो हमारा पी पॉइंट है, इट इज 1, 2, 3। ये हमारा क्यू पॉइंट है, इट इज 4, 5, 6। और यहां पर हमने कहीं सपोज करो लेट कर लिया ऑरिजिन, ठीक है। ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, तो बेटा ये हो जाएगा ओपी वेक्टर, ये हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर, और आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है आपको पी क्यू वेक्टर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पी क्यू वेक्टर क्या होगा पहले मुझे ये बताओ। पी क्यू वेक्टर को हम लिख सकते हैं, पी क्यू वेक्टर इज, आपको अच्छे से मालूम है कि पी क्यू वेक्टर जो होता है, पी क्यू वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ओ क्यू वेक्टर, है ना, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि ओपी वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी भी हम इसको बोलते हैं, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, हमेशा लास्ट वाले में से स्टार्टिंग वाला माइनस कर देते हैं, तो ओ क्यू माइनस ओपी। अब बात आती है ओ क्यू ओपी कहां से लाए, तो यहां पर आप क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं ओपी वेक्टर को लिखना चाहूं तो ओपी वेक्टर हो जाएगा बेटा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और ओ क्यू वेक्टर कैसे बन जाएगा, ओ क्यू वेक्टर बनेगा 4i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 6k कैप। ये बात हमें बड़े अच्छे से पता है कि जब भी पॉइंट को हम वेक्टर में लाते हैं तो उनके साथ उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे होता है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के वेक्टर लेते हैं, है ना, के कैप। तो हमने इस तरह से इंटू करी ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर निकाल लिए। अब यहां पर हमने ओक्यू और ओपी को माइनस कर दिया, तो ओक्यू को ओपी में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप। ये आपका आ गया पी क्यू वेक्टर, है ना, ये हमारे पास पी क्यू वेक्टर आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपको जो है पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, डायरेक्शन, है ना, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। मान लीजिए वो हमारा यूनिट वेक्टर ये है ए कैप, हमें तो ए कैप निकालना, तो ए कैप की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ए कैप की वैल्यू फाइंड होगी, ए कैप कैसे फाइंड होगा, किसकी डायरेक्शन में जा रहा है ए कैप, पी क्यू की डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिसकी भी डायरेक्शन में जा रहा है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, बस हमारे पास हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो पी क्यू की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो देखो पी क्यू वेक्टर हमारे पास क्या है, पी क्यू वेक्टर हमारे पास 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट से, अंडर रूट किस किस का, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा भाई हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और 9 और 9 18 और 9 27 का मतलब हो गया 3√3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 i कैप 1/√3 j कैप एंड 1/√3 k कैप। ये वो यूनिट वेक्टर है जो पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इजी है, इतना टफ नहीं है। तो ये तो भी क्वेश्चन नंबर 8 की बात, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 9, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 9 बेटा ये कहता है कि आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर ए हमारे पास गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी हमारे पास है बेटा माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए शुरू करते हैं। इतनी सी जगह पर हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए भाई, तो यूनिट वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहली बात कि यूनिट वेक्टर चाहिए हमें किसकी डायरेक्शन में? ए प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए। तो बेटा पहले ए और बी वेक्टर का सम कर लेते हैं, है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों वेक्टर को ऐड करो, 2i माइनस i कितने हो गए, कितना हो गया, ये हो गया प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप इज जीरो जे कैप। और बेटा टू और ये ऐड करेंगे के कैप तो ये मिल जाएगा हमको 3k कैप। तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपको मिल गया, बट हमें तो चाहिए यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम जानते हैं कि जिस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट होगा? इस वेक्टर को हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है कि ए प्लस बी वेक्टर की जो भी वैल्यू आई है इसको डिवाइड कर देना है इस ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो ए प्लस बी वेक्टर आपके पास कितना है? ए प्लस बी वेक्टर जो भी आपके पास है वो लिख लो, आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस 3k कैप, और इसको किससे डिवाइड कर दो? इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है चेक कर लो, मैग्नीट्यूड जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड आएगा ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि √10 आएगा, है ना, √10 आएगा। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा कितना, यहां पर आ जाएगा आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस 3k कैप एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो गया √10। ये आंसर हो गया आपको, ठीक है बेटा। तो अब तक हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9, है ना, 9 तक हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो जर्नी है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच चुकी है, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं इस एक्सरसाइज में? इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तकरीबन 19 के आसपास क्वेश्चन। तो ठीक है, इतने रखते हैं फिर आज वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।